सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो भैया अक्षय कुमार एक बार फिर से हाजिर है अपनी एक और नई फिल्म के साथ खेल खेल में। दोस्तों अभी उनकी सरफिरा मूवी फ्लॉप ही हुई थी कि भैया वो एक और फ्लॉप मूवी के साथ हाजिर हो गए हैं, और इसके बाद भैया 2 महीने बाद उनकी फिर से एक मूवी आ जाएगी स्काई फोर्स। तो मतलब अक्षय कुमार भैया बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान साल में एक आधी फिल्में लेकर आते हैं, तो भाई भैया अक्षय कुमार तो साल में 10-12 फिल्में निकाल दे रहे हैं। और चलो 10-12 फिल्में निकाल ले तो निकाल ले, कम से कम एक तो हिट निकालो, सारी की सारी फ्लॉप फिल्में निकाल ले। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि भैया ये फिल्म भी कुछ खासा कमाल नहीं करने वाली है। जैसे बेसिकली इस फिल्म की कहानी होने वाली है हस्बैंड वाइफ के कलेश पर, जहाँ पर दोस्तों एक खेल खेला जाएगा जो कि बचकान सा, जो कि ऐसा खेल हम काफी सारी फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ फरदीन खान, तापसी पन्नू और यहाँ तक कि वाणी कपूर, ये सारे स्टार कास्ट हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों पर्सनली मुझे अपना अक्षय कुमार की फिल्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, ना ही वो कोई कॉन्सेप्ट अच्छा चुन रहे हैं, ना ही उनकी एक्टिंग कोई दमदार रह रही है। एवरेज फिल्म लेकर आ रहे जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी कमाई नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट गाइज मैं आपको बता दूं कि भैया आप जो अक्षय कुमार के फैंस थे वो भी उनकी फिल्में देखने से कतरा रहे हैं कि भैया 250-300 रुपए कौन बर्बाद करे इसकी फिल्मों पर। दोस्तों फिल्म की कहानी थोड़ी यूनिक जरूर लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज गाइज अक्षय कुमार के नाम से ही लोग चिढ़ से जा रहे हैं। उनकी ऑलमोस्ट फिल्में बहुत ज्यादा फ्लॉप जा रही है। इनफैक्ट ना उनकी कहानी में दम लग रहा है, ना एक्टिंग में दम लग रहा है। मैं तो यही कहूंगा अक्षय भैया थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा ठहरो, कहानी को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसके बाद ही कोई फिल्म को साइन करो और बनाओ। जरूरी नहीं कि आपके साल में 4 फिल्में आए तो ही अच्छा होगा, साल में 1 या 2 फिल्में भी निकालो, लेकिन कम से कम अच्छी तो निकालो। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म भी एक बहुत ही कचरा फिल्म होने वाली है जो कि दर्शकों को बहुत ही ज्यादा नापसंद आने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि भैया ये स्त्री 2 और वेदा के आगे कहीं भी टिकने वाली है। डेफिनेटली इस 15 अगस्त को स्त्री 2 और वेदा बाजी मारने वाली है, और खेल खेल में होने वाली है फिर से फिसड्डी। और मुझे नहीं लगता कि भैया अक्षय कुमार इस चीज से कुछ भी सबक ले रहे हैं, वो तो बस धनाधन फिल्में निकालते जा रहे हैं, चाहे कहानी कुछ भी हो, चाहे फिल्म कुछ भी हो, चाहे एक्टिंग कैसे भी हो, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल गाइज आप सभी लोग को फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।